हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। सभी सवालों के जवाब हम खोजते हैं आज इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। कौन है? कौन? विद्रोही। विद्रोही ले चलो सर। सर 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 प्लीज प्लीज मुझे अभी जाने दीजिए। आप बोलोगे तो मैं सारी जिंदगी जेल में रह लूंगा, लेकिन अभी मुझे जाने दीजिए सर। उठा सर। वो लोग मेरी माँ को मार डालेंगे सर। कौन? गांव वाले। सर मुझे अभी जाने दीजिए। आप पास ही में करने को चाहेंगे मैं चढ़ जाऊंगा, लेकिन अभी मुझे जाने दीजिए सर प्लीज। आसपास देखो, इसका साथी भी यहीं कहीं होगा। सर प्लीज। सर आसपास कोई नहीं है। कहाँ है तेरा साथी? मुझे नहीं पता, और अगर पता भी हो तो नहीं बताता। ना तो मुझे मार से डर लगता है और ना ही मरने से। अच्छा, तो फिर और किससे डर लगता है? अपनी माँ को खोने से सर। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मेरी माँ की जान को खतरा है। पुलिस से मिलने के बाद ना सबको अपनी माँ ही याद आती है। सर मेरा यकीन कीजिए, मेरी माँ को वो लोग मार डालेंगे। सर जाने दीजिए प्लीज। गाड़ी में डालो। जाने दो, जाने दो। कोशिश से मर्डर का मामला नहीं लगता, बात कोई गहरी है। और ये बच्चा जो अपनी माँ के बारे में कह रहा है, ये सब क्या लगता है आपको सर? हो सकता है खुद को बचाने के लिए झूठ बोल रहा हो, या फिर शायद सच भी हो, लेकिन इसकी बात को लाइटली नहीं है सर। मैं हेडक्वार्टर में कॉल करता हूँ। सर छोड़ो मुझे प्लीज। जो छोटा लड़का था वो हमें मिल गया है। हाँ आप लोग खोज जारी रखिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरी हेडक्वार्टर बात हो गई, हम इसे इसके गांव बांकुरा लेकर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो हुआ है उसके तार भी वहाँ से जुड़े हैं, तो उस बात की तफ्तीश भी हो जाएगी और ये अपनी माँ के बारे में सच बोल रहा है या नहीं इस बात की तस्दीक भी। लेट्स गो। राइट सर। गौतम, हम तुम्हारी माँ को बचा सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारे सवालों के जवाब देने होंगे। पहला सवाल, इस छोटी सी उम्र में तुम्हारे हाथ में पिस्तौल किसने और क्यों थमाई? और तुम पढ़ने लिखने की बजाय विद्रोही कैसे बन गए? ठीक है, गाड़ी घुमाओ और कलकत्ता वापस चलो। सर, सर मैं बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। मुझे पिस्तौल किसी ने नहीं थमाई थी, मैं अपनी मर्जी से ही विद्रोही बना हूँ। 2 साल पहले हम यहीं कोलकाता में ही रहते थे, मैं, बाबा, माँ और मेरी छोटी बहन साची। फिर बाबा को गांव में बिजनेस करने का अच्छा मौका मिला, तो हम कोलकाता छोड़ के गांव में चले गए, बांकुरा जिले में। वहीं पे मेरा स्कूल में भी एडमिशन हो गया। कोई बेईमानी नहीं है। नहीं तूने बेईमानी की है। कुछ बेईमानी है, चल गेम स्टार्ट कर। ये बेईमानी तुझे पेनल्टी देनी होगी। पेनल्टी? पेनल्टी लेगा, चल हट। क्यों चित कर रहे? अकेले देखने में खेल दिया इसको। चल किक कर, बॉल ला इसको, बॉल दे। गोल। थैंक्स दादा, जो आपने मेरी मदद की। पर ये लोग आपसे इतना डरते क्यों हैं? चल बताता हूँ। साला तुम लोगों का ना एक समस्या है, तुम सोचते हो कि शर्ट पैंट पहन ली, 4 किताबें पढ़ ली, इंग्लिश में गिट पिटा लिए तो इस समाज की बराबरी कर लोगे, लेकिन असल बात यह कि अगर तुम मर भी जाओ ना तो इस समाज की बराबरी नहीं कर पाओगे। मतलब सब एक जैसे तो हैं, इसमें अंतर क्या हुआ? अंतर है, तू उस जात से है जो जो धक्का भी खुद खाती है और फाउल भी उसी का होगा। तेरा बाप छोटी जात का, तो तू भी तो छोटी जात का हुआ, ये है अंतर।
है, मैं चलता हूँ। अगर हम पलटकर अपने देश के इतिहास पर नजर डालेंगे तो हम पाएंगे कि जाति प्रथा यानी कि जाति के आधार पर भेदभाव हमारी कमियों या बुराइयों में से वो मुख्य कमी या बुराई रही है जिसने हमें एक समाज एक देश के रूप में वो नहीं बनने दिया जो शायद हम बन सकते थे। जाति भेद कई सौ सदियों से हमारे समाज में मौजूद है और यही इस गलत प्रथा को मानने वालों या फिर इसका समर्थन करने वालों का सबसे बड़ा तर्क होता है। वो इसे सामाजिक परंपरा का नाम देकर इससे बंधे रहना चाहते हैं। वो ये समझना ही नहीं चाहते हैं कि हमारी परंपरा वसुदेव कुटुंबकम रही है, ना कि जाति रंग नस्ल या वर्ग के आधार पर इंसान को बांटना। माँ, इंसान अपने जन्म से नहीं कर्मों से जाना जाता है ना माँ, आपने ही कहा था ना। तो फिर न सब सच्चाई जानते हैं और ना ही समझते हैं। समाज को समझाने में और संभालने में वक्त तो लगता ही है, एकदम से कुछ नहीं बदलता है और ना ऐसा होने की उम्मीद करनी चाहिए। पर क्यों माँ? तो चल, ये लो, इसे पी जाओ लेकिन एक ही सांस में। माँ ये तो बहुत गर्म है, मैं इसे नहीं पी सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हें गर्म दूध पीने की आदत नहीं है। लेकिन अगर मैं फिर भी जिद करूं कि तुम इसे पी जाओ तो तुम अपना मुंह जला बैठोगे। लेकिन इसी दूध को अगर धीरे धीरे फूक फूक के पियोगे तो तुम इसे पी पाओगे। उसी तरह समाज को एक दिन में बदलने की कोशिश करोगे तो अपना हाथ और मुंह दोनों जला बैठोगे, समझे? अब सुन उस दिन क्या हुआ था। क्या हुआ था भाई? मजा आ गया। ए गौतम, अरे उस दिन तेरे पे बहुत चर्बी चढ़ी थी। हाँ, कहाँ है अब तेरा भूमा, अब कौन बचाएगा? बोल बोल। अब बोला भूमा को, अब कौन बचाएगा तेरे को? कोई नहीं है। क्यों बचत कब रहे? उस दिन बेटा कुछ नहीं बोला तो ज्यादा चर्बी चढ़ गई। नहीं दादा। फिर क्या बोल गया? मन जल्दी बोलो। कुकड़ू और तेज। कुकड़ू और जोर से। कुकड़ू। असला अगर इसके आसपास दोबारा दिख गए तो तंदूर में डालकर तंदूरी बनाऊंगा सबकी मैं। चल बोलो। और जोर से। कुकड़ू बोलते रहो। ये लोग आपसे इतना डरते क्यों हैं? इस कपड़े से? वो कहते हैं इस दुनिया में कीड़े से लेकर इंसान तक सबको भगवान ने बनाया, लेकिन उसी भगवान के मंदिर में घुस नहीं सकते हम। वो कहते हैं कि हमारी जाति छोटी है और हमारा खून गंदा है, इसलिए हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। तर्क भी उन्हीं लोगों की सुनी जाती है जिनके पास ताकत होती है, और आज के दुनिया में जो सबसे बड़ी ताकत है वो सदियों से हमारा खून चूसते आए हैं और खून का घूंट पीते हैं हम। खून बहेगा उनका और बहाएंगे हम, कब तक? जब तक इस धरती और इस समाज से जाति और जन्म का फर्क खत्म नहीं हो जाता। तो बोलो, हो तैयार? कमांडर, ये गौतम अपना ही भाई, कोलकाता से आया है, गांव में नया है। सो हाउ डू यू फाइंड योर लाइफ इन आवर विलेज?
कौन सी जिंदगी पसंद है तुम्हें, गांव की कि कोलकाता की? मुझे गांव तो अच्छा लगा, लेकिन लेकिन गांव को ये पसंद नहीं आया। कोई बात नहीं, ये रीता दीदी हैं, ये भी कलकत्ता की रहने वाली है। देखो गौतम, अगर तुम चाहो तो ये सब कुछ रुक सकता है। तुम बदल सकते हो इस समाज को आज से ही। लेकिन मेरी माँ तो कहती है कि जैसे गरम दूध को एक सांस में नहीं पिया जा सकता, वैसे ही समाज को एक दिन में भी नहीं बदला जा सकता है। तुम्हें क्या लगता है ये चित्रंजन और उसके दोस्त जैसे लोग ऐसे ही बदल जाएंगे? कभी नहीं, बस एक तरीका है उन लोगों को बदलने का। क्या? वो गरम दूध का गिलास तुम लोग और मार दो उनके मुंह पे। क्या आप जानते हैं कि 21वीं सदी का सबसे खतरनाक हथियार कौन सा है? वो हथियार जिसके चलाए जाने से ना तो कोई धमाका होता है, ना ही कोई धुआं उठता है और ना ही खून के छींटे। यहाँ तक कि जिसके खिलाफ इसे इस्तेमाल किया जाता है उस तक को खबर नहीं होती है, और ना सिर्फ वो बल्कि उसकी आने वाली कई नस्लें, कई पीढ़ियां तबाह बर्बाद हो जाती हैं। और वो हथियार है विचार। इंसान का उठाया हर कदम उसके विचारों से प्रेरित होता है। अगर विचारधारा ही गलत होगी तो इंसान जो भी कदम उठाएगा वो गलत ही होगा। और बच्चों और युवाओं की विचारधारा को दूषित करना आसान भी होता है और कारगर भी। इसीलिए दुनिया भर के आतंकवादी और अलगाववादी संगठन उन्हें ही अपना निशाना बनाते हैं। उनकी विचारधारा को अपने गलत विचारों से दूषित करके उनके हाथ में बंदूक पकड़ा देते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। और ऐसा ही हुआ था गौतम के साथ। अभी अभी बाराती निकले, गांव की तरफ जा रहा है। फिर उन लोगों ने तुम्हें अपनी टोली में शामिल कर लिया, क्यों? उन दिनों हमारे गांव में सीआरपीएफ की एक टुकड़ी आई हुई थी और झुमकी की माँ ने उनके पास कमांडर के खिलाफ मुखबरी की थी। सब खबर है। वो थ्रशर पंप वाले कल सुबह बैंक में 5 लाख रुपए जमा करने वाले, और वो कमांडर और उनके साथी वो गांव के छोटे तालाब है ना, वहां उनको लूटेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उन लोगों को कुंती मारेंगे, मगर दिमाग से। लेकिन कुंती ने हमारे साथ धोखा किया है, अगर हमने उसे छोड़ दिया ना तो गलत मैसेज जाएगा लोगों तक, जो हमारे इस मूवमेंट के लिए ठीक नहीं होगा। वो मरेगी तो जरूर, बस हम उसे नहीं मारेंगे। तो कौन मरेगा? एक बात बताओ, पहली बार पिस्तौल किस उम्र में चलाई थी? जब उसने मेरी माँ को छेड़ा था। अरे पता है, अरे मिल जाए तो मजा आ जाएगा। रुक देख। ओ मैडम, कभी हमें भी तो पढ़ा लिया करो, या तो हम आपके घर आ जाएंगे या आप हमारे घर, फिर साथ में पढ़ेंगे। अच्छा हो गया। अरे साची, क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? आज जब मैं और माँ स्कूल से लौट रहे थे तब चित्रंजन ने आज फिर से पकड़ लिया? नहीं, आज मैंने पकड़ा था उन्हें। क्यों? अगली बार जब भी किसी को मारना हो तो पहले ये पहनना, अगर तू किसी को मारेगा भी तो सामने वाला उस पर हाथ नहीं उठाएगा, याद से। ये लाल गमछा प्रतीक है हमारे क्रांति का। लेकिन सिर्फ लाल गमछा और झंडा उठाने से क्रांति नहीं मिलती, उसके लिए हथियार उठाना होता है। शाबाश। अरे वाह, क्या बात है, हाँ पहली बार में इतना तगड़ा हाथ, बहुत बढ़िया कमांडर। ये सब गौतम की बहादुरी की वजह से हुआ है। अच्छा तुम लोग एक काम करो, पुलिस तुम लोगों को खोजेगी, तुम लोग यहाँ से सीधा घर जाओ और घर वालों को बोलना कि 2 दिन के लिए तुम जा रहे हो क्रिकेट मैच खेलने के लिए बांकुरा में।
और वहां से सीधा तुम यहीं चले आना। यहाँ दो दिन आराम से छिप कर रहो तुम लोग, दो दिन के बाद मामला ठंडा होगा फिर चले जाना, ठीक है? चलो ठीक है। बहुत आगे जाएगा ये लड़का, लगता है आगे चलकर तुम्हारी जगह यही लेगा। लेकिन इसका बाप बहुत डरपोक आदमी है, हो सकता है अपनी माँ पे गया होगा। पर इसकी माँ कमांडर के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर गौतम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो उसे साक्षात भगवान का आशीर्वाद मिल गया। उसका ऐसा महसूस करना लाजमी भी था क्योंकि गौतम और उसके जैसे अन्य समाज की ज्यादतियों के शिकार नवयुवकों के लिए कमांडर किसी भगवान से कम नहीं था, जो उन्हें एक आदर्श समाज और समाज में बराबर के दर्जे की गारंटी दे रहा था, एक नया सपना दिखा रहा था। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि यह सपना जितना आदर्श था, सच चाहे जो भी हो, लेकिन गौतम अब कमांडर का सिपाही बन चुका था। लेकिन कमांडर के दिमाग में क्या चल रहा था और उसका गौतम और उसके परिवार की जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला था? अब इधर उधर होगा तो बता देंगे। सुनिए, सर इधर आइए। अरे क्या हो गया? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जिस मेहमान का आप सुबह से इंतजार कर रहे थे वही कमांडर है। पहले नहीं बताया तो क्या हुआ, अभी बता दिया, जाओ अंदर जाओ। क्यों कर रहे हैं आप ये समा? ऐसे इंसान के साथ संबंध बनाने में क्या फायदा है? इससे मेरी बिजनेस बढ़ेगा, गांव के लोग मुझसे डरेंगे। बिजनेस का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ बुरे के साथ रहकर कभी किसी का भला नहीं हुआ है। अरे क्या हुआ? आप लोग हमारे बारे में बात कर रहे थे क्या? नहीं नहीं नहीं, आपके बारे में बातें नहीं हो रही थी। कुछ लेंगे आप? हाँ। क्या? तेरी बीवी। ये क्या कह रहे हैं आप? ये मेरी धर्मपत्नी है। अरे तो आगे भी तेरी धर्मपत्नी रहेगी भाई, अब इसे कोई डोली पर सजा के ले जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सेज पे सजाने की बात कर रहा हूँ। और बिरादरी से भाई हैं हम दोनों, एक ही चीज दोनों भाई के काम आ जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। चल बाहर जा, और जब तक ना कहूं तब तक आना नहीं, जा। कमांडर साहब। अच्छा जा। ये बेटी है ना तेरी, मेरे आदमी इसके साथ क्या करेंगे पता भैया तुझे? चल। ये तीन रातें जो तेरे साथ बिताया ना, तब समझ में आया। किसने कहा तुमसे? मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ अपना जमा जमाया बिजनेस छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। मैं तुम्हारी नहीं, अपने और अपने बच्चों की बात कर रही हूँ। और तुमने ये सोचा भी कैसे कि तुम्हारी नपुंसकता देखने के बाद मैं या कोई भी औरत तुम्हारे साथ रहना चाहेगी? क्या कहना चाहती हो? रमेश, अपने दिल से पूछ के देखो, अगर मैंने कुछ भी गलत कहा है तो तुम एक नहीं 10 थप्पड़ मार लेना, रुकूंगी नहीं मैं तुम्हें। हम कहीं जा रहे बाबा? बाबा नहीं, मैं तू और साक्षी जा रहे हैं यहाँ से। चल अपना सामान बांध। मैं नहीं जाऊंगा माँ, ये गांव मेरा है, ये धरती और यहाँ के लोग मेरे हैं। मेरा धर्म और फर्ज है कि मैं उनकी रक्षा करूँ, और मैं अपना फर्ज अधूरा छोड़कर कहीं नहीं भागूंगा। ये क्या बोल रहे तू? हाँ, तू उस कमांडर से मिला था ना? बहुत मिला था ना? हाँ मैं मिला था उस कमांडर से, और उसकी जुबान इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो जो भी कहता है एकदम सच कहता है। मैंने सोचा था ये दाग सिर्फ मेरे दामन में लगी है, लेकिन
तू उस कमांडर से अब कभी नहीं मिलेगा। लेकिन क्यों माँ? चल यहाँ से। माँ चल। माँ कमांडर से ही कह रहा माँ। माँ 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 मेरी बात सुनो। माँ मुझे खोलो माँ। माँ मेरी बात सुनो माँ। जिस गांव छातना में ये सारी घटनाएं घट रही थी वहां सिर्फ दो किस्म के लोग रहते थे। यहाँ एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो कमांडर के या उसके साथियों के खिलाफ आवाज उठा सकता, उनकी खिलाफत कर सकता। ऐसे में मिताली का उसके सामने आकर खड़े होना और उसकी ज्यादतियों की खिलाफत करना एक बहुत हिम्मत भरा फैसला था। जैसे कि एक दिया कई दियों को रोशन करके रात के अंधेरे को मिटा देता है, वैसे ही मिताली गाँव के दूसरे लोगों के दिलों में हिम्मत जगाने की मुहिम पर निकल चुकी थी। अब सवाल यह था कि कमांडर के फैलाए अंधेरे को क्या मिताली की जलाई रोशनी मिटा पाएगी? क्या कमांडर का राज इस इलाके से खत्म होगा? मैंने तय कर लिया है, मैं पुलिस में जाके इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगी। क्या आप सब लोग मेरे साथ हैं? हाँ। विक्रम नाम है उसका, अपोजिशन पार्टी का युवा नेता है। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और स्टूडेंट के बीच में काफी पॉपुलर है। आने वाले कुछ महीनों में यूनिवर्सिटी में इलेक्शन होंगे। अगर वो लड़का इलेक्शन में खड़ा हो गया तो हमारी तुलिका कभी भी नहीं जीत सकती। विक्रम को किसी भी कीमत पर तुलिका के रास्ते से हटाना होगा। अब क्या बोलते हैं, किसको भेजना सही होगा? जो भी समझदार और हिम्मत वाला हो, क्योंकि इस काम में कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, याद रखना। तो भोमा? गौतम वो भोला भी है दिखने में और मासूम भी। भोमा उसके साथ जाएगा स्टैंड बाई पर। मगर सर मैंने तो सुना है कि उसके माँ ने उसको घर में बंद करके रखा है, ना ही उसको कहीं बाहर जाने दे रही है और ना ही किसी बाहर वाले को मिलने अंदर आने दे रही है। तो फिर तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं निकाल लूंगा उसे। लड़का स्मार्ट है, कलकत्ता रह भी चुका है, शहर को अच्छी तरह जानता भी है। उस पर कोई शक भी नहीं करेगा। गौतम बड़ा हो रहा है मिताली, ये तरीका सही नहीं है उसे अपनी बात समझाने का। लेकिन उसके कदम बहक रहे हैं मास्टर जी, और मुझे डर है कि इस गलत रास्ते में कहीं वो आगे ना निकल जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें उसकी एनर्जी को चैनलाइज करना चाहिए, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। कैसे मास्टर जी? देखो पुरलिया में मेरे एक दोस्त है जो छाव नृत्य की क्लासेस चलाते हैं। मेरे ख्याल से वहाँ भेजे तो उसका माइंड भी डाइवर्ट होगा और उसके मन को भी शांति मिलेगी। अगर ये आपको ठीक लगता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बाहर निकलो। माँ अपना ख्याल रखना, तुम भी। और जब मैं वापस आऊंगा ना तो तेरे लिए कुछ ऐसा लेकर आऊंगा जिसको देखकर तू बहुत खुश हो जाएगी। सच्ची? पर तुम ऐसे अचानक क्यों जा रहे हो, वो भी अकेले? अकेले कहाँ जा रहा हूँ, मेरे साथ गौतम भी तो जा रहा है। गौतम? हाँ। पर वो तो पुरुलिया जा रहा है ना नाच सीखने। कौन बोला? उसकी माँ ने बोला। वो मेरे साथ जा रहा है, कमांडर हम दोनों को भेज रहे हैं किसी का काम तमाम करने। क्या ये क्या कह रही तू झुमके? हाँ दीदी, मुझे भोमा ने खुद बताया, वो अभी बस निकलने ही वाले है। तू साची के पास बैठ, मैं अभी आती हूँ। इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते आप मुझे? कहाँ है मेरा बेटा? मैं सच जान चुकी हूँ। चुपचाप बता मेरा बेटा कहाँ है, नहीं तो। जब जान चुकी हो तो फिर पूछ क्यों रही हो? वो तो गया, बहुत दूर निकल गया, अब तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला है। दीदी 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 दीदी, वो लोग साची को लेके गए। कौन? वो कमांडर। तुझे उसका अड्डा पता है? हाँ, वो पुराने वाले खंडर में। दीदी चल। रमेश रमेश, वो साचे, वो कमांडर हमारी बेटी को उठा के लेके गया, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज कुछ करो। मैंने बोला ना तुम्हें, लेकिन तुमने नहीं माने, अब भुगतो। रमेश, अन्याय के खिलाफ लड़ने का दावा करने वाले अन्यायियों के खिलाफ मिताली ने जो जंग छेड़ी थी, वो जंग वो हारती हुई दिखाई दे रही थी। जिन लोगों के लिए उसने इस जंग की शुरुआत की थी वो खुद उसके खिलाफ हो गए थे। वो कमांडर के साथ ही नहीं थे,
लेकिन वो अनजाने में उसी की मदद कर रहे थे। एक तरफ जहां ये गांव वाले मिताली की जान के पीछे पड़े थे, वहीं दूसरी तरफ उसे बचाने आ रहे उसके बेटे और पुलिस दल के साथ भी कुछ ऐसा घटने वाला था जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। क्या गौतम अपनी माँ को बचा पाएगा और क्या इस जद्दोजहद में उसकी जान भी खतरे में आ जाएगी? भूमा कहाँ है? भूमा दादा, भूमा दादा, भूमा दादा, आपको क्या हुआ? भूमा दादा, भूमा दादा, भूमा दादा। हेलो हेडक्वार्टर्स, इंद्रनील मुखर्जी है। यस, हम पर हमला हुआ है। मैं अपनी लोकेशन भेज रहा हूँ, आप जल्दी से फोर्स भेजिए। या थैंक यू। गोश सर, फोर्स के आने तक हमें यहीं वेट करना होगा। ओके सर। मुझे प्लीज जाने दीजिए, बोलो मेरी माँ को मार डालेंगे। मुझे जाने दीजिए, जाने दीजिए सर प्लीज। तुम लोग क्या कर रहे थे वहाँ? कब? हमारा अटैक फेल हो गया है। गौतम को पुलिस ने पकड़ लिया और पुलिस लेकर यहाँ पे आ रही है, कभी भी आ सकती है वो। अब हमें क्या करना चाहिए सर? वो बाद में सोचेंगे, पहले इस औरत को मौत डालना बहुत जरूरी हो गया हमारे लिए, वरना अगर ये पुलिस को जिंदा मिल गई सारे के सारे मारे जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। मार डालो इसे। अरे लेकिन गांव वाले सारे काम पे गए हुए हैं, वो शाम को लौट के आए। अरे चुप। अरे उनके फैसले के बिना कैसे हो सकता है? उनके फैसले और जाहिर के बाद फैसला करेंगे। वो फैसला करने के लिए नहीं, फैसला हमारा सुनने के लिए है और हमने फैसला कर लिया है। चला दो इसे। ए पीछे संभालो इसे। उन लोगों ने मेरी माँ को भी ऐसे ही मार डाला था, डायन बता कर, पर तेरी माँ को भी। यही है वो क्रांति जिसका उन लोगों ने तुमसे वादा किया था। भूमा तो तुम्हारा साथी था ना, उसे भी नहीं बख्शा उन लोगों ने, और जब तुम खतरा बनने लगे तुम पर भी हमला करवा दिया। किन लोगों का साथ दे रहे होगा तुम? उन्होंने तुम्हारी बहन को उठवा लिया अपनी ढाल बनाने के लिए। तुम्हारे बंदूक उठाने से किसका भला हुआ? एक नाम भी बता सकते हो? बोलो, किसका फायदा हुआ? सर, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, मैं जानता हूं वो लोग कहां गए होंगे। गोश सर, हमें उन लोगों पर अभी अटैक करना होगा, नहीं तो लोग स्टेट बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे। लेट्स गो। संभालो सर। आसपास नजर रखो। तो कोई नहीं लेगा। पीछे पीछे कोई भी हिला तो खोपड़ी उड़ा दूंगा, ध्यान रखना। आदमियों को पीछे भेजो। सच्ची मिल जाएगी, तुम चिंता मत कर। तो गोली मार दूंगा। इंस्पेक्टर सर,
साची कहाँ है? कहाँ है साची? सीधी तरह बोल, नहीं तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। गौतम, अब तुम्हें कोलकाता ले जाकर कोर्ट में पेश करना होगा, लेकिन एक सवाल का जवाब दो। तुम तो विक्रम को मारने गए थे, फिर तुलिका को क्यों मारा? सर, तुलिका भी इन लोगों की तरह झूठी थी। मुझे और बोमा दादा को उसकी असलियत पता चल गई थी। ए, क्या कर रहे हो तुम? दूर हटो, हाथ मत लगाना। पूजा की आरती को सिर्फ ब्राह्मण छू सकते हैं और कोई नहीं। जाओ। नहीं, कुछ नहीं बदला सर, लेकिन मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया मेरा। आजी अपनी माँ की एक बात याद रखना पड़ता, समाज को एक दिन में बदलने की जिद गर्म दूध एक सांस में पीने जैसी होती है, कुछ ना कुछ जरूर जलता है। चलो चलो। जो समाज बुराई से अपने बच्चों और युवाओं की सोच की रक्षा नहीं कर पाता, उस समाज के बच्चे या तो उस बुराई का शिकार बनकर खत्म हो जाते हैं, या फिर खुद उस बुराई के वाहक बनकर उसे समाज में फैलाने की मुहिम में लग जाते हैं। ठीक ऐसा ही हुआ था गौतम के साथ। जिस समाज पर उसे संभालने की, उसकी सुरक्षा और उसके विकास की जिम्मेदारी थी, जब उसी समाज ने उसे दुत्कारा, तो वो कमांडर और रीता दी जैसे असामाजिक तत्वों के हाथों की कठपुतली बन गया और अपने समाज के खिलाफ हथियार उठाकर खड़ा हो गया। लेकिन हमारे पास अब भी थोड़ा वक्त है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे युवा अपने ही समाज के लिए खतरा ना बन जाएं, तो हमें अपने अंदर कुछ बदलाव लाने होंगे। उन कुरीतियों को दूर करना होगा जो इंसान को इंसान से फर्क करना सिखाती हैं। अपने आप में और हमारे समाज में ये सकारात्मक बदलाव हम जल्द से जल्द ला पाएं, इसी उम्मीद के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।